हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड, बहुत दिन के बाद एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, IGBT मॉड्यूल वेल्डिंग मशीन। ये IGBT मॉड्यूल वेल्डिंग मशीन है, इसमें OCV ओपन सर्किट वोल्टेज, आप देख सकते हो ये जो होल्डर है, होल्डर में ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं दे रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा एनालिसिस किया हूँ इस वीडियो को बनाने पहले, क्योंकि मैं पार्टी का घर गया था, मतलब जो होल प्राइमरी टेक्नीशियन देता है उसके घर गया था, शॉप में गया था, तो मैं एनालिसिस करके देखा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कनेक्शन खोल के रखा हूँ। जैसे DC लिंक में ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 3 फेज आ रहा है, उसके बाद DC हो रहा है, DC पॉजिटिव नेगेटिव। DC लिंक को मैंने खोल दिया और ये कंट्रोल कार्ड को मैंने चेक किया था। कंट्रोल कार्ड में इधर से जो PWM सिग्नल आता है IGBT कंट्रोल कार्ड में PWM सिग्नल आता है IGBT को फायर करने के लिए। अब इधर देख सकते हो, इधर जो IGBT लगा है, इधर दो IGBT मॉड्यूल लगा है, IGBT मॉड्यूल को गेट को फायर करता है। एक्चुअल में एक इसमें क्या फॉल्ट है फ्रेंड, ये जो कंट्रोल कार्ड है ये IGBT को फायर नहीं कर रहा है। तो मैं इधर खोल के मेजरमेंट करूँगा, इस कंट्रोल कार्ड को रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये कंट्रोल कार्ड रिपेयर करने की कोशिश में हम लोगों का हाथ से पल्स निकल जाता है, इस पल्स निकलने से वजह से IGBT क्रॉस फायरिंग हो सकता है। एक क्रॉस फायरिंग की क्या है वो आप कमेंट में बोलिए, तब तो मैं समझा दूंगा। एक क्रॉस फायरिंग हो सकता है, यह हाथ का लीकेज की वजह से इसका RTCT टाइमिंग कैपेसिटर टाइमिंग रजिस्टर का वैल्यू बढ़ सकता है घट सकते है। उसके वजह से इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, जिसके वजह से IGBT खराब हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड IGBT का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी MOSFET का स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से कम है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इसका जो DC 650 वोल्ट आफ्टर 3 फेज मतलब 415 × √2 करके जो आएगा वोल्टेज, और इसका DC बैंक में आएगा, उसको मैंने बाईपास कर दिया और ये गेट पल्स को खोल दिया। फिर फिलहाल मैं उसको सप्लाई देके इसको चेक करूँगा। तो सप्लाई देने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 फेज है, मैं जहाँ पे रिपेयर करूँगा फ्रेंड यहाँ पे सिंगल फेज है। फ्रेंड अगर आप 3 फेज मशीन को सिंगल फेज में रिपेयर करना चाहते हो घर में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इस मशीन में सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा है कि नहीं। अगर सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा है, जैसे एडोर में लगा रहता है एग्जाम्पल के तौर, ऐसे आपको चेक कर लेना पड़ेगा एडो मतलब इसमें सिंगल फेज प्रिवेंटर है कि नहीं। अगर इसमें सिंगल फेज प्रिवेंटर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर सिंगल फेज प्रिवेंटर है तो आपको उसको बाईपास करना पड़ेगा। इस केस में सिंगल फेज प्रिवेंटर नहीं है, तो हमको सिंगल फेज प्रिवेंटर बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा मीटर में आप देख सकते हो, मैं इसको ओम्स रेजिस्टेंस में रख दिया है, अभी ये ऑटो में सिलेक्शन है, इसलिए एम ओम है मतलब मेगा ओम में है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका इधर से क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे, आप इधर इसको देख के समझ पाओगे, इसमें दो लाइन गया है, 415 जा गया है इसका इन प्राइमरी में, इसका प्राइमरी में 415 मीन्स ये दो लाइन गया है, इसका मीन्स ये क्या है 2 फेज में चलता है, ये ट्रांसफार्मर 2 फेज देता है, 415 देता है 2 फेज। फ्रेंड इधर 3 फेज है, इसको आपको 3 फेज है मतलब कोई एक फेज इसमें यूज में नहीं लिया गया है। तो हम लोगों को इधर से इसका रेजिस्टेंस देख के पता करना है कौन सा 2 फेज लाइन में लिया गया है। तो इसको चेक करने से पहले हम लोगों को ये MCB लगा रहता है, MCB को ऑन करना पड़ेगा, मैंने ऑन कर दिया। अभी ये MCB ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस मेजर करने का जो प्रोसेस है, एक अब एक्चुअल में नैकेड हाथ में हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये जो इसको रिंग, ये रिंग को भी नहीं पहनना चाहिए, ये हैंड ग्लव्स यूज करना चाहिए। तो मैं नैकेड हाथ में कर रहा हूँ, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है फ्रेंड, आप अच्छा इंजीनियर बनोगे तो ये नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं इसका बी में ले रहा हूँ और इधर एक मीटर प्रॉप दे रहा है, एक्चुअली ये हाथ को नहीं यूज करना चाहिए, ऐसे करके यूज करना चाहिए। अब देखिए मीटर में देखिए 1.607 किलो ओम्स आ रहा है, फिर मैं इसको ले रहा हूँ, क्या आ रहा है 1.8 किलो ओम। फ्रेंड ये किलो ओम तो नहीं हो सकता है, तो आ रहा है आपको बोल रहा हूँ। फिर मैं रेट को कॉमन कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ 1.6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको देख रहा हूँ फ्रेंड 276.4 ओम आ रहा है, दैट्स मीन फ्रेंड्स RY ये 2 फेज में ये जो ट्रांसफार्मर का सप्लाई दिया है गया है।
हम लोगों को इसमें सप्लाई देना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं उसको सप्लाई दूंगा। अभी मैं इसको पावर दे रहा हूँ, देखिए डिस्प्ले आ गया है, डिस्प्ले आ गया है। इधर आईजी डायोड में देखिए, बीच डायोड में देखिए, आपका वोल्टेज भी आ गया है। क्योंकि इधर कम क्यों दिखा रहा है, ये लाइन वोल्टेज जितना है उतना ही दिखाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इसके साथ ओपन किया हुआ है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इधर जो इसका गेट फायर वोल्टेज है ये चेक करेंगे। देखिए गेट में कुछ वोल्टेज सप्लाई नहीं दे रहा है, ये कंट्रोल कार्ड से गेट में कुछ सप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है, गेट में सप्लाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड इस मशीन में क्या रहता है, इधर एक सिटी लगा रहता है, मैं इसका पावर को बंद कर रहा हूँ, देखिए बंद कर दिया, हो गया इसके पावर में। देखिए इधर एक सिटी लगा रहता है, ये सिटी ओपन रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिटी का रेजिस्टेंस इस जगह में कितना है चेक कर लेंगे। इस जगह में सिटी का रेजिस्टेंस कितना है चेक कर लेंगे। देखिए ये 9 ओम के पास है, मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस देने से भी शॉर्ट करके आप देख सकते हैं, ये ओके है। फिर उसके बाद फिलहाल देखेंगे इसका जो ओवर हीटिंग का फंक्शन काम कर रहा है नहीं। इधर देखिए एबनॉर्मल में नॉर्म कोई नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका जो टेम्परेचर सेंसर को खोल दिया, देखिए इधर एबनॉर्मल हो गया, इधर एबनॉर्मल हो गया, ऑरेंज लाइट आ गया। मैं इधर सेंसर लगा दे रहा हूँ, देखिए ये चला गया, मतलब ये सेक्शन फ्रेंड्स ओके है। हमको ये कंट्रोल कार्ड में काम करना है, फिर ये कंट्रोल कार्ड रिपेयर करके आप लोगों को बाद में दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है नहीं है, एनालिसिस करके। फ्रेंड्स अभी रिपेयर हो गया, अब इधर देख सकते हैं ये जो कंट्रोल कार्ड है, मैं इसका ये जो PWM IC है उसको चेंज किया हूँ, इसमें दिक्कत था एक्चुअली, मेजर करके मुझे पहले से ही पता था ये इसका PWM IC खराब था। लेकिन फ्रेंड इसको करने IC चेंज करने में मुझे थोड़ा गलती हुआ है, क्योंकि मेरे पास हॉट गन नहीं है, मैं टेम्पोरेरी बेसिस में रिपेयर करता हूँ, मेरा शॉप नहीं है, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ इसलिए इधर उधर घूमता रहता हूँ, इसलिए मैं इस मोमबत्ती की हेल्प से इसको ओपन किया हूँ, IC को हीट करके खोला हूँ। लेकिन हीट करके खोलते चलते ये जो कैपेसिटर लगा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने मतलब ख़राब नहीं जल गया था, इसलिए मैं इसका वैल्यू इस मेजर मीटर से चेक कर लिया हूँ, इसका सही है, इसलिए इसको लगा दिया। फिर मैं इसका सप्लाई दे रहा हूँ, आप लोग सप्लाई दे रहा हूँ इसका, देखिए OCB आ गया है, OCB इसका आ गया है। मैं इसका स्पार्किंग करके देख ले, पहले OCB देख लीजिए 25.7 है, क्योंकि इतना कम क्यों है फ्रेंड, ये VRD ऑन है। अब देखिए इधर ये प्रोविज़न रखा है VRD के लिए, अगर हम इसको खोल देंगे तो ये VRD से हट के नॉर्मल मोड में आ जाएगा। मैं अभी मीटर ऑन कर रहा हूँ, वोल्ट देखिए 100 वोल्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं इसको खोल दिया हूँ इस जगह में। अभी मैं VRD का ऑप्शन को लाइन में ले रहा हूँ, VRD को लाइन में ले रहा हूँ, आई पावर MCU को ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये 25 वोल्ट आ गया। मैं स्पार्किंग कर रहा हूँ उस टाइम, आप लोग वोल्टेज को भी ध्यान दीजिएगा, पूरा टर्मिनल को दिखाइए, स्पार्किंग करूँगा, देखिए वोल्टेज आ रहा है, देखिएगा देखिए कम आ रहा है, वोल्टेज बढ़ गया था, देखा फ्रेंड, वोल्टेज भी देख लीजिएगा, देखिए 95 वोल्ट हो गया था। तो फ्रेंड ये फिलहाल सही है, मैं इसे 19 वोल्ट एम्पियर में किया था सेट, इसको ज़्यादा एम्पियर में करूँगा तो अभी तुरंत ये गल जाएगा। यार मैं इसको क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा जो ये टेस्टिंग का पूरा शॉप नहीं है, अगर शॉप होता तो मैं पूरा टेस्टिंग का पूरा सेटअप बना लेता, ऐसे करके भी नहीं करता, होल्डर देकर होल्डिंग कर लेता। देखिए अभी एम्पियर इधर बढ़ा दिया, अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, देखा ज़्यादा शॉर्ट हो गया, और पहले चिड़चिड़ कर रहा था क्योंकि पहले मैं ऐसे 19 एम्पियर में कर रहा था। फ्रेंड आई होप फ्रेंड आप लोगों को समझ में थोड़ा आया, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर मेन चीज़ तो नहीं दिखाया, ये रिपेयर कैसे हुआ। फ्रेंड ये 2 वजह से मैंने किया, क्योंकि ये रिपेयरिंग करने के भी बहुत टाइम टेकिंग होता है, आप लोग लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो नहीं देखोगे, फर्स्ट। सेकेंड थिंग है मैं ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस कंट्रोल कार्ड को रिपेयर सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ ऑनलाइन,
ऑफलाइन भी देता था, शुरू किया था, लेकिन मैं दूसरा कंपनी में फिर से चला गया। इसके चलते मैं इतने दिन वो मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया और वो ऑफलाइन शुरू जो किया था बंद कर दिया, अभी फिलहाल ऑनलाइन में देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना तक, मिलते हैं नया वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।